में तो यमुना नदी का हाल देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां आपको पानी की सतह पर मरी हुई हजारों मछलियां नजर आएंगी। ये मछलियां नदी में खतरनाक ढंग से बढ़ते जा रहे प्रदूषण की वजह से मर गई हैं। यमुना के इस हाल पर स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। यमुना नदी के प्रदूषित होने की खबर अब पुरानी हो चुकी है। अब तो ये हालत है कि इस नदी में रहने वाली मछलियां भी सुरक्षित नहीं है। पानी में और यमुना किनारे जान गंवा चुकी मछलियों को देखा जा सकता है। बाहर निकाली गई इन हजारों मछलियों को भी मछुआरों ने नहीं मारा है, इनकी जान को खतरा बना है नदी में गिरता ये सीवर। स्थानीय लोग भी कहते हैं कि कई फैक्ट्रियों का केमिकल और घरों का गंदा पानी सीधे यमुना में बहाया जा रहा है और प्रशासन इस ओर ध्यान तक नहीं दे रहा। और जब ये पानी आता है ना, इसको सारा जहरीला पानी आता है, कई बार तो पशु भी मर जाते हैं। और इसके ऊपर पुल तो बनावा नहीं है, हमें अपने उधर भी जाना पड़ता है, इधर भी खुजली हो जाती है, दोनों टाइम रखना पड़ता है। मैं केमिकल रड़े में होते हैं जी, शुगर मिल का पानी है, या अखबार में खबर छप जाती है जी, नुकसान हो रहा है, अगर प्रशासन कुछ नहीं करता जी इसके बारे में। नदी और मंदिर का संयोग बड़ा अद्भुत माना जाता है, पर यहाँ तो यमुना पुल के किनारे कल्लानौर में प्राचीन मंदिर भी नदी के गंदे पानी से अपना अस्तित्व खो रहा है। यमुना नदी से मंदिर तक दुर्गंध आती है। पुजारी कहते हैं कि इस ओर से भी अधिकारी उदासीन हैं। कल्लानौर क्षेत्र का तीर्थ है यमुना जी का, और इस तीर्थ के बारे में कोई भी नहीं सोचता, ना कोई विधायक सोचता, ना कुछ। इसके अंदर गंदगी फैला दी जाती है, ये मील की वजह से होता है सब कुछ काम। यमुना का गंदा पानी आज मछलियों की जान का दुश्मन बना है। इसका पानी जानवर भी पीते हैं और कई शहरों की आबादी को भी यही पानी सप्लाई किया जाता है। ऐसे में पानी गंदा बना रहा तो जानवर मर सकते हैं और लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। फिर सवाल ये है कि करोड़ों के ट्रीटमेंट प्लांट क्या कर रहे हैं और प्रशासन का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता। सुरेंद्र मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज, यमुनानगर। अभी तक यमुना में 25 क्विंटल से ज्यादा मछलियां इस प्रदूषण का शिकार हुई है। यही नहीं, ये सिलसिला अभी जारी है। इससे स्थानीय लोग काफी घबरा गए हैं। लोगों को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं ये जहरीला पानी किसी आदमी या मवेशी ने पी लिया तो उसकी भी जान जा सकती है। लोग इस मामले में स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप जड़ रहे हैं। वहीं जिला मत्स्य विभाग ने इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पर थोप दी। विभाग के अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि यूपी के टोडरपुर डिस्टिलरी से यमुना में जहरीला कचरा बहाया जा रहा है, जिसकी वजह से मछलियों की मौत हो रही है। बहरहाल अगर तमाम चीजों को देखें, जिस तरह से यमुना में गंदगी बढ़ती जा रही है, खासकर हरियाणा की बात करें, एक गंभीर समस्या है, जिसे लेकर बार बार कमेटियां बनाई गई, तमाम चीजें की गई, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। यमुना का पानी गंदा और गंदा होता जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुरेंद्र, यहां अगर हम बात करें, मत्स्य विभाग हमेशा अपना पल्ला झाड़ता नजर आता है। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि खबर उठाई गई हो या किसी मीडिया ने यह सवाल उठाया हो कि क्यों आखिर यमुना का पानी साफ नहीं किया जा रहा। बार बार ये सवाल उठते आए हैं, बार बार लीपापोती की जा रही है, लेकिन अब लगातार जिस तरह से मछलियों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसे देखकर घबराना वाजिब है। इसे लेकर क्या कहता है मत्स्य विभाग? जी, मत्स्य विभाग की बात करें, वही आप जो दोहरा रहे थे वही कहना चाहूंगा। वो अपने से पल्ला झाड़ने वाली बात करते हैं, वो कहते हैं पानी वहां से डाल, बिना सूचना के डाला और मछली मर गई है, इसकी जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ये सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन विभाग परेशान है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जो मछलियां मरी हैं और उनका मरना लगातार जारी है। जी विकी, केवल सुरेंद्र एक मछलियों की बात ना करें, अगर हम प्रशासन के स्थानीय प्रशासन की बात करें, यमुना नदी की सफाई के लिए खासकर यहाँ हरियाणा, तमाम जगह पर जहां जहां से यमुना गुजरती है, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, वहां पर लगातार कमेटियां बनाई जाती हैं, एक विभाग बनाए गए हैं जो यमुना नदी की सफाई में लगे रहते हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, हर जगह जहां पर यमुना का घाट पड़ता है वहां पर लोग तैनात किए जाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, सफाई के लिए, लोग कूड़ा ना डालें, गंदगी ना करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा हरियाणा में। यमुना कार्य योजना आपको याद होगा, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं इसके लिए, ये योजना दो बार एक्सटेंड हो चुकी है, अरबों रुपया खर्च हो चुका है, पैसा लगता है, पैसा पता नहीं कहाँ जाता है। योजना ये थी कि यमुना में पानी सीधा सीधा फैक्ट्रियों का ना डाला जाए, गंदा पानी ना डाला जाए, सीवेज का पानी ना डाला जाए, इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए गए थे हरियाणा में जो यमुना के साथ लगते इलाके हैं, ताकि पहले पानी साफ किया जाए उसके बाद बहाया जाए। लेकिन इसके बावजूद फैक्ट्रियों का जहरीला पानी, सीवरेज का गंदा पानी सीधा सीधा यमुना में बहाया जा रहा है, जिस वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। पशुओं के मरने की भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं यमुना के साथ लगते इलाकों में, क्योंकि ये पानी बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। जी विकी, बिल्कुल, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक बड़ी समस्या
पैदा हो सकती है पीने के पानी को लेकर, और जिस तरह से यमुना नदी का पानी पूरी तरह से जहरीला होता जा रहा है, अभी मछलियां मर रही हैं, आने वाले दिनों में कुछ और नुकसान भी हो सकते हैं। सुरेंद्र, स्थानीय लोगों ने या फिर मंदिर जो कालानौर के पास जो मंदिर है उसके जो अधिकारी हैं, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि बात की जाए कि आखिर कैसे बचाया जा सकता है, कैसे बचाव किया जा सकता है? जी विकी, लोगों की तो बात की जाए, लोग भी इसमें कम दोषी नहीं है मैं समझता हूँ। लोग भी हर तरह का, जैसे पट की समझिए काफी चीजें इसमें डाल देते हैं, सहयोग लोगों का बहुत ज्यादा है यमुना को दूषित करने में। लेकिन मंदिर के पुजारी या मंदिर प्रशासन कमेटी, काफी लोग प्रशासन से मिलते हैं कि इसका समाधान किया जाए, कोई रोक लगाई जाए, कोई ठोस योजना बनाई जाए ताकि इस तरह का गंध या इस तरह की कोई सामग्री या इस तरह की कोई चीजें यमुना में ना बहाई जाए। लेकिन ये जो बात है पानी जहरीला होने की, दूषित होने की, ये ज्यादातर पानी फैक्ट्रियों से और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से होने के कारण जो जा रहा है, उस वजह से नुकसान ज्यादा हो रहा है। और उसके लिए लोग लगातार मांग करते रहे हैं इसकी तरफ ठोस ध्यान दिया जाए, लेकिन पैसा खर्च होता है, उसके बाद डाक के तीन पास कोई सफाई वाली बात नजर आती नहीं है। जी विकी, बिल्कुल। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त केडीसी साहब फोनलाइन पर मौजूद है। एडीसी साहब हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। एडीसी साहब, यहाँ अगर हम बात करें, यमुना नदी जिस तरह से जहरीली होती जा रही है, मछलियां मर रही हैं अभी तो, लेकिन ये नुकसान बढ़ सकता है। लगातार करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता है जो जमीन पर हो। गंदी की गंदी नजर आ रही है, और खासकर हरियाणा के यमुना नगर की बात करें, कालानौर की बात करें, यहां तो गंदगी बेइंतहा बढ़ चुकी है। शायद हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, अभी हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ अधिकारियों से, ताकि हम उनसे जान सके क्या कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन देखा जाता है कि जहां से गाड़ियां गुजरती हैं वहां पर आम पब्लिक भी कूड़ा डालने में उतना ही हिस्सेदारी निभाती है जितना कि उन फैक्ट्रियों की है, जहां से ये प्रदूषण वाला पानी मिलता है, जहरीला पदार्थ आके मिल जाते हैं नदियों में। उन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किए जाए? अजीब की यही बात है कि जैसे जैसे योजना बनती है उसको लागू करने में सरकार का सहयोग जो होना चाहिए वो तो है, लोगों का सहयोग जो होना चाहिए वो शायद उतना नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, शायद उनको जागरूक नहीं किया जा सकता। सुरेंद्र, आपको बीच में रोकना चाहेंगे। एडीसी साहब, सुरेंद्र जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, अमेचर न्यूज में आपका स्वागत है। नरेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी आपकी आवाज। जी नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यमुना नदी के गंदगी की। जिस तरह से हरियाणा के यमुनानगर की बात करें, कालानौर की बात करें, गंदगी बढ़ती जा रही है, हजारों मछलियां अब तक मर चुकी हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या कोशिशें की जा रही है? सरकार करोड़ों खर्च कर रही है लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आता। नहीं, मैं तो फिलहाल आपको ये कह सकता हूँ कि मेरी नॉलेज में ऐसा कोई विषय नहीं था जिसके मुताबिक मुझे बताया गया हो कि मछलियां मरी है। मैं तो कल सुबह जो रेजिडेंट ऑडिटर है, ऑडिट ऑफिसर है उसके, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, मैं उनको भिजवाऊंगा और वो स्थिति का जायजा लेंगे, और जहाँ से भी ये गंदा पानी चला है उसके बारे में पूरी कार्रवाई करेंगे, और सख्ती से कार्रवाई करते हुए यदि आवश्यकता पड़ती है तो उनके खिलाफ हम FIR भी दर्ज करवाएंगे। नरेंद्र जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हजारों मछलियां मरी हुई मिली है, और एक आधी नहीं, मतलब हजारों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कई क्विंटल मछलियां हैं जो मरी पाई गई हैं। और बार बार स्थानीय प्रशासन जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं। वो बार बार कहते हैं कि यमुना नदी का पानी गंदा है, जहरीला हो चुका है, जो फैक्ट्री है, जो शुगर मिल है, उनसे जो जहरीले पदार्थ हैं वो आकर नदी में मिलते हैं, जिसके कारण ये नुकसान हो रहा है। यहां तक कि हम आपको एक और जानकारी दें, कालानौर में जो मंदिर है उस पर भी असर पड़ने लगा है इस गंदे पानी का। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं? नहीं, मुझे फिर इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जो आपके यहाँ लोकल जो न्यूज पर्सन है उनसे। जी नरेंद्र जी, शायद हमारा संपर्क नरेंद्र जी से टूट गया है जो एडीसी थे। बहरहाल हम अपने दर्शकों को बता दें, नरेंद्र सिंह जी का कहना है कि उन्हें अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ये कोई पहला या कोई दो महीने या चार महीने का मामला नहीं है, लगातार सालों से समस्या बनी हुई है यमुना नदी में गंदगी की, जिसे लेकर कोशिशें की जा रही है, लेकिन एडीसी साहब कहते हैं उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल हमने उन्हें जानकारी दे दी है, अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी फिलहाल यमुना का जो पानी करने की, जो साफ करने की बात की जा रही थी, वो फिलहाल कागजी नजर आती है, हकीकत में कुछ भी नजर नहीं आता। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। रखा स्कूल में बच्चे जाते हैं उन्हें जाने देते हैं जी, हमारे लिए बहुत हानिकारक हो रहा है जी। हरियाणा में पंचायतों की दादागिरी कोई नई बात नहीं है, पंचायतों की हकीकत एक बार फिर आपके सामने है। कर्मवीर मर्डर केस के आरोपी के घर वालों, गाँव में हुक्का पानी बंद है। अब देखना यह है कि पुलिस पंचायत के खिलाफ जाकर पीड़ित परिवार की मदद करती है या नहीं। भारत भूषण शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, यमुनानगर। और सूरज कुंड मेले को इस बार इको फ्रेंडली